सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे लेटेस्ट टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन नस्र मिसाइल की। अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि आज हम इस पाकिस्तान की नस्र मिसाइल के बारे में ही बात क्यों करने जा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि नस्र मिसाइल पाकिस्तान का वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है जिसको लेकर पाकिस्तान इस बात का दावा करता है कि उनकी ये मिसाइल भारत की कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन और यहाँ तक कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेदने में सक्षम है। और अगर कभी भविष्य में भारत पाकिस्तान की टेरिटरी में घुसता है तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि पाकिस्तान अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के तौर पर इस नस्र मिसाइल का ही उपयोग करेगा। तो आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि अगर भविष्य में कभी इस तरह की संभावना बनती है तो भारत के पास इस नस्र मिसाइल का जवाब देने के लिए कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि किसी भी न्यूक्लियर वेपन को दो तरीके से डिलीवर किया जाता है, एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के जरिए और दूसरा स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर वेपन के जरिए। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन वो होते हैं जिनके अंदर एक्सप्लोजिव यानी कि परमाणु विस्फोटक कम मात्रा में भरा जाता है और इसका इस्तेमाल कम दूरी के टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है, जैसे कि युद्ध भूमि में मौजूद दुश्मन की सेना। और वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर वेपन्स वो होते हैं जिनका इस्तेमाल दुश्मन देश के कुछ महत्वपूर्ण ठिकानों को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मिलिट्री बेस, सिटीज, टाउन्स, आर्म्स इंडस्ट्रीज और ऐसे ही महत्वपूर्ण जगहें जो युद्ध भूमि से दूर होती हैं। और अपने नाम के अनुसार ही इन स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत ही खास तरह की रणनीति तैयार की जाती है और उसी के बाद ही इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल होता है। और पाकिस्तान की नस्र मिसाइल एक सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन में आती है, क्योंकि इसकी ऑपरेशन रेंज 70 किलोमीटर तक है। और डिफेंस एनालिस्ट के मुताबिक इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को खास तौर पर दुश्मन देश की आर्म्ड ब्रिगेड्स और डिविजन जैसी मैकेनाइज्ड फोर्स को टारगेट करने के लिए एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के तौर पर डिजाइन किया गया है। और पाकिस्तानी आर्मी के चीफ ने तो एक बार ये भी कहा था कि उनकी ये मिसाइल भारत की कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का भी सामना कर सकती है। कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन किसी भी देश की उस कैपेबिलिटी को कहा जाता है जिसकी मदद से वो देश युद्ध जैसी स्थिति में बहुत तेजी से सीमाओं पर अपने ट्रूप्स को तैनात कर सकता है। और अगर आप इस कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हम इस मिलिट्री टर्म के बारे में अपनी टर्मिनोलॉजी वाली सीरीज में पहले ही बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। अगर बात करें इसकी कैपेबिलिटीज की तो ये मिसाइल 400 किलोग्राम तक का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कैरी करने में सक्षम है। इस मिसाइल को ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है और पाकिस्तान दावे के मुताबिक इस मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम का भी सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये मिसाइल बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस मिसाइल की सीईपी यानी कि सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी के बारे में कोई भी जानकारी जारी नहीं की गई है। हम आपको बता दें कि सीईपी से ही मालूम पड़ता है कि मिसाइल कितनी ज्यादा एक्यूरेट है। तो बात यह आती है कि भारत के पास इसका सामना करने के लिए कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। तो अगर देखा जाए तो भारत के पास इसका जवाब देने के लिए एक नहीं बल्कि कई सारे विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि QRSAM मिसाइल, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, जो बड़ी आसानी से इस नस्र मिसाइल को नेगलेक्ट कर सकती है। लेकिन इनको इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि नस्र मिसाइल को कहां से फायर किया गया है और बीच हवा में एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इसे कैसे डिस्ट्रॉय करना है। बाकी एक दूसरा विकल्प ये भी है कि पाकिस्तान इस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल तब करेगा जब इंडियन ट्रूप्स पाकिस्तानी इलाके में प्रवेश करेंगे, और अगर ऐसे में पाकिस्तान इस न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर देता है तो इससे भले ही भारत के ट्रूप्स को नुकसान होगा लेकिन इसमें पाकिस्तान को भी दोगुना नुकसान होगा, क्योंकि इंडियन ट्रूप्स पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर होंगे और वहां उनके ही लोग मौजूद होंगे। इसके अलावा भारत एक और टैक्टिक इस्तेमाल कर सकता है और वो है पाकिस्तान के सबसे पॉपुलेटेड वाले एरियाज में प्रवेश कर। और अगर ऐसा भारत करता है तो पाकिस्तान चाहकर भी अपनी मिसाइल के इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बाकी इसके अलावा इस तरह के वेपन का इस्तेमाल करने से पहले पाकिस्तान को ध्यान में रखना होगा कि भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मौजूद है, और अगर एक बार पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भारत पर कर दिया तो भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के लिए किए गए कमिटमेंट से फ्री हो जाएगा, यानी फिर उसके बाद भारत जवाबी न्यूक्लियर हमला कर सकता है। और अगर यहाँ तक बात आ गई तो फिर इसके बाद सभी को मालूम है कि इसके परिणाम क्या होंगे। बाकी हम एक अलग से वीडियो भी बना चुके हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध हुआ तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा।
बाकी भारत के पास इस नस्र मिसाइल को रोकने के लिए जो सबसे बेहतरीन विकल्प है तो वो है उस लोकेशन को हिट करना जहां पर इन नस्र मिसाइल को डिप्लॉय किया जाएगा, क्योंकि नस्र मिसाइल को उपयोग करने के लिए पाकिस्तान को इस मिसाइल को ऐसी लोकेशन पर तैनात करना होगा जो बॉर्डर से काफी करीब हो, क्योंकि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है और इन्हें स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन की तरह किसी रिमोट एरिया से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अंत में हम यही चाहेंगे कि इस तरह के हालात कभी भी ना बने, क्योंकि इससे फायदा कुछ भी नहीं होने वाला है और केवल नुकसान ही होगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपको कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।